हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करें। अगर हमने नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है और मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है कि नहीं बना है या उसको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आपने नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। वहां पे जाकर उस वीडियो को देख करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि अपना वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक कैसे करते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं। वो भी सिंपल सा प्रोसेस से, आप मुश्किल से 2 मिनट लगेगा और अपना वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ से हमने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है nvsp.in। क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पे आना है nvsp.in, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे हम वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो वोटर सर्विस पोर्टल का ऑप्शन होता है, यानी जो उसका पोर्टल होता है, वो हम लोग के सामने आ जाता है। जब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिएगा, हम लोग को वोटर आईडी कार्ड अगर ट्रैक करना है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड आया है कि नहीं आया है, मेरे पास वो नंबर होना चाहिए जो आपका रिफरेंस नंबर होता है। जैसे यहाँ पे ट्रैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं या चाहे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। ये बोलेंगे कि हमसे कि आप लॉग इन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो लॉग इन आईडी और पासवर्ड अगर आपको बनाने नहीं आता है तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड कैसे हम अप्लाई करते हैं, उसमें ये सारा चीज गाइड किया गया है कि हम लोग आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं। और आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं लगता है। आप यहां से अगर उस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे डू नॉट हैव ए अकाउंट, ये साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा और यहाँ पे कैप्चर को पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये सारा भरने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। और जैसे वेरीफाई कर देंगे तो हमारे ऑप्शन आएंगे कि पासवर्ड बनाने के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर आईडी हो जाएगा और पासवर्ड में जो आप अपने मन से डालिएगा वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। और वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड बन जाएगा। जब आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद से जो आपने पासवर्ड वहां पे बनाया हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। और डालने के बाद आपको ये कैप्चर को अच्छा से डालना है। और कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। और जैसे हम लोग रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे डालना है। जब तक ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक हम लोग का वेरीफाई एंड लॉगिन होगा ना। तो हमने क्या किया, वहां पे ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक किया, फिर हम उस पोर्टल पे आ चुके हैं, हम लोग लॉगिन भी हो चुके हैं। अब यहाँ से जो भी हम लोग को काम करना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रैक एप्लीकेशन करना हो या सर्च, यानी पहले का किसी का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड हमको पता नहीं है और उसका वोटर आईडी कार्ड खोजना है तो किस प्रकार से खोजेंगे, तो देखिएगा हम बता दे रहे हैं पारा पारी से सब। देखिएगा, पहले तो आपको यहाँ से अगर ट्रैक करना हो तो यहाँ पे हम लोग का एक रिसीविंग नंबर होता है, देखिएगा जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आप लोग का, ये हम लोग का रिसीविंग नंबर होता है, यानी रिफरेंस नंबर होता है। इस रेफरेंस नंबर को डालेंगे, जैसे यहाँ पे फिलअप कर देंगे उसके बाद हमसे स्टेट पूछेगा कि कौन से स्टेट का ये आप जो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया वो कौन से स्टेट का था, तो हम लोग बिहार का था तो बिहार पे क्लिक करेंगे। और जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनका पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये सही नंबर नहीं है, तो आप लोग को अपने रिसीविंग पे देख लेना है कि किस प्रकार से वो मेरा नंबर है वो वहां पे सही से डालना है और स्टेट डालना है और ऑटोमेटिक आपको बता देगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग फिर होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद से देखिएगा वो सर्च इन आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉल का, यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर किसी का पहले का वोटर आईडी कार्ड बना है और मेरे को पता नहीं है कि बना है कि नहीं बना है तो किस प्रकार से खोजेंगे, या पहले का किसी के पास से एपिक नंबर हो तो एपिक नंबर के माध्यम से अपना डिटेल कैसे खोजेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले बात तो ये विवरण के द्वारा खोजे, यानी आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है।
स्टेट चूज करने के बाद से आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है, और यहाँ पे नाम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, फिर यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करना है। ऐसे यहाँ पे फिलअप करने के बाद से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे अपना जिला और विधानसभा और कैप्चर यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर होगा आपका तो यहाँ पे शो करने लगेगा, नहीं आएगा तो शो नहीं करेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे ईपिक नंबर है, अगर ईपिक नंबर से आप खोजना चाहते तो यहाँ पे लैंग्वेज डालिएगा, ईपिक नंबर डालिएगा, स्टेट डालिएगा, और यहाँ से कैप्चर डाल के सर्च कीजिएगा, उनका डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मोबाइल नंबर से खोजना है तो मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे मैं एक मोबाइल नंबर मेरे को याद है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और जैसे लैंग्वेज आपको डालना है तो मैंने लैंग्वेज डाल दिया, और जैसे यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर डाल के देख रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला और सेंड यहाँ पे ओटीपी किया। जो मोबाइल लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर उससे रजिस्टर्ड है वोटर आईडी कार्ड से, तो मैंने मोबाइल नंबर डाला और मेरे यहाँ पे ओटीपी आ भी चुका है। मैंने ये ओटीपी डाल दिया, और देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। और यहाँ पे कैप्चर को सही से फिलअप करना है, कैप्चर को सही से फिलअप करना है आप लोगों को। कैप्चर को सही से फिलअप करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये बोल रहा है कि कैप्चर नॉट वेरीफाई, यानी इसका मतलब कैप्चर हमने गलत डाल दिया। तो मैं यहाँ से सही कैप्चर को डाल लूंगा, और सही कैप्चर डालने के बाद आपको फिर एक बार सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा बना हुआ है, तो मेरे को ऑटोमेटिक ये शो कर गया। तो यहाँ से आकर के हम डिटेल देख सकते हैं, जो भी हम लोग के पास तीन गो प्रोसेस है, ईपिक नंबर से भी खोज सकते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए इन्हीं का वोटर आईडी कार्ड खोजना है, तो ये हम लोग का ईपिक नंबर होता है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद से देखिएगा मैं यहाँ पे ईपिक पे क्लिक करूंगा, और लैंग्वेज हमसे पूछेगा तो ये हिंदी डालेंगे, और ईपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे स्टेट जो भी स्टेट का होगा स्टेट डाल देंगे, और यहाँ पे कैप्चर को डालेंगे, और जैसे सर्च करेंगे तो फिर इनका डिटेल बताना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बार हम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आना है आपको, ये यहाँ पे कैप्चर भरना है, फिर सर्च करना है। देखिए ऑटोमेटिक इनका डिटेल दिखा दिया, ऐसा ही डिटेल इसमें भी है, ऐसा ही हम यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे और सर्च करेंगे तो फिर भी हम लोग का डिटेल आ जाएगा। तो हम लोग तो ये आसानी पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन हमको तो वोटर आईडी का डाउनलोड करना है। हम लोग वोटर आईडी का डाउनलोड कैसे करेंगे, तो देखिएगा उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है कि भाई मेरे को क्या करना होगा। ई यहाँ पे देखिएगा ई डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, EEPIC डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूछेगा कि आपके पास ईपिक नंबर है कि नहीं है, तो अगर ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डालिए, और अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर डालिए। तो मेरे पास ईपिक नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ईपिक नंबर डालेंगे और देखेंगे कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर होगा उसको अच्छा से आपको ढूंढ आपको यहाँ पे ले लेना है, और लेने के बाद आपको यहाँ पे ईपिक नंबर को फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ईपिक नंबर भी फिल कर रहा हूँ और एक रेफरेंस नंबर भी फिल करूंगा, और जिससे आपको दिखाऊंगा कि उनका बना है कि नहीं बना है, कैसे स्टेटस चेक करते हैं। पहले हम लोग डाउनलोड करना सीख जाए उसके बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ईपिक नंबर को फिलअप कर रहा हूँ। देखिएगा आपको यहाँ पे ईपिक नंबर को फिलअप कर लेना है। देखिएगा हमने यहाँ पे ईपिक नंबर को डाल रहे हैं, और ईपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, और ओपन होने के बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा बोल रहा है कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपके एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, कि जो कि आपका मोबाइल नंबर ये जुटा हुआ है आपके वोटर आईडी कार्ड से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और ये ओटीपी हमको यहाँ पे डाल लेना है। और जैसे हम यहाँ पे डालेंगे वेरीफाई करेंगे तो हम लोग का ये कुछ दिन में वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद से आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हम लोग का ये वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिएगा मेरे सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा ये डाउनलोड यहाँ से हो चुका है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा ये डाउनलोड हो रहा है अभी, और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है। देखिएगा ये डाउनलोड हो गया, शायद हम लोग यहाँ पे आएंगे और देखिएगा अभी हो रहा है। जैसे ये हो गया इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अपना वोटर आईडी कार्ड हम लोग के सामने आ जाएगा। तो ये 100% प्रूफ के साथ हमने दिखाया है कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे चेक करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसका स्टेटस चेक करते हैं। ये सारा काम इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, ये न्यू पोर्टल है। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद ये सारा काम आसानी पूर्वक कर सकते हैं, और मात्र 2 मिनट के अंदर अपना आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हम वीडियो लेके आए तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाता रहे, और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।